सो फाइनली दोस्तों एनिमल फिल्म कल रिलीज हो रही है मेरे भाइयों, एंड दोस्तों एनिमल फिल्म ने भाई साहब बॉक्स ऑफिस में झंडे गाड़ दिए। सैल्यूट टू बॉबी देओल यार, लॉर्ड बॉबी देओल कहूंगा भाई साहब। जितना ज्यादा लोग एक्साइटेड है रणबीर कपूर को देखने के लिए, भाई लोग तो ये कह रहे हैं, कमेंट ऐसे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया हम बॉबी देओल को देखने जा रहे हैं फिल्म को। इनफैक्ट दोस्तों मैंने तो कल की एडवांस बुकिंग कर ली है, एंड आपको बता दूं कि आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच द बॉबी देओल इन द थिएटर। वेल दोस्तों भाई सबके रिकॉर्ड तोड़ रही है फिल्म, सबके रिकॉर्ड, भाई दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, भाई हर जगह भगवा। और सबसे मजे की बात भाई, नेशनल चैन से आपको बता दूं एनिमल ने टाइगर 3 के रिकॉर्ड, गदर 2 के रिकॉर्ड, एंड वेल दोस्तों पठान का घमंड तोड़ दिया है, 10 लाख टिकट बिक चुके हैं भाई, अनबिलीवेबल दोस्तों। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं सच में भाई, मैं सैल्यूट करूंगा भाई संदीप रेड्डी वांगा को। ये वही बंदा है भाई जिसने गदर 2 के टाइम पे सपोर्ट किया था और गदर 2 के टाइम पे इस फिल्म को क्लैश नहीं किया था, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि गदर 2 एक नॉस्टैल्जिक फिल्म थी, लेकिन दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा का अगर ऐसा वायलेंस गदर 2 के टाइम पे होता, उसके बीच OMG 2 होती, तो वेल दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान होता कमर्शियली हर किसी फिल्म को। लेकिन भाई आपको बता दूं कि संदीप रेड्डी वांगा ने जो एनिमल का तैयार किया ना भाई, ये जो फिल्म तैयार की है ना, अनबिलीवेबल बिलीवेबल दोस्तों। और आपको बता दूं कि कल ये फिल्म रिलीज हो रही है, सारी खबर लेकर आया हूं, एक से एक खबर है मेरे पास, खबरों का पिटारा लेकर आया हूं लाइक कमेंट करने का। और दोस्तों बॉबी देओल को सपोर्ट करते हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए, एंड आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों बहुत सारे रिपोर्ट लेके आऊं, लेकिन उससे पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए आप सभी लोगों के। आप सभी लोगों ने कहा था कि सर बॉबी देओल को सपोर्ट करो, एनिमल को सपोर्ट करो, जो कि हम कर रहे हैं। हालांकि कई कमेंट्स में मेरे पास ऐसे आए कि सर बॉबी देओल को जो है, बॉबी देओल एनिमल में रणबीर कपूर का भाई निकलेगा, मतलब कुछ फैंस की थ्योरी ऐसी भी आई दोस्तों। इसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि भैया लाइव रिएक्शन लेकर आओ। थैंक यू दोस्तों, मैं कल जा रहा हूँ, और आपको कि कल थिएटर के बाहर से ही, थिएटर के अंदर से ही सबके रिएक्शंस, पूरे फिल्म का रिव्यू सब कुछ दूंगा, जैसे कि मैंने गदर 2 में दिया, जवान में दिया, एंड आप लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिया दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों कि बॉबी देओल का, जी हां, ये ऐसी फिल्म है एनिमल जो उनको कहीं ना कहीं यहां से यहां ला सकती है, और ये मंजूर नहीं है किसको, हेटर लोगों को। मतलब कुल मिला के भाई साहब, ये जो पठान प्रेमी लोग थे जिनको गदर 2 भी नवारा, क्या बोलते हैं उसको, गदर 2 भी कहीं ना कहीं उसकी कामयाबी से वो जल रहे थे। आपको बता दो भाई कि गदर 2 फिल्म में जो बॉक्स ऑफिस में पठान का रिकॉर्ड तोड़ा भाई, 2023 की एनिमल भी बॉबी देओल की जो ये फिल्म है। अब कुछ लोग कहेंगे यार बॉबी देओल कोई फिल्म नहीं है, रणबीर कपूर की फिल्म है। भैया रणबीर कपूर की फिल्म तो है, लेकिन मेन विलन कौन है ये तो देख लो यार। भाई लोगों को क्या बताऊं यार, हेटर लोगों को बड़ी जली पड़ी भाई। कुल मिला के भैया रमैया अवस्था, भैया हेटर्स की जली पड़ी है भैया, क्योंकि बॉबी देओल इज नाउ कमिंग बैक भैया, एंड टुमारो ये फिल्म रिलीज हो रही है। एंड दोस्तों मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, इनफैक्ट आप सभी लोग कल की फिल्म के लिए, बॉबी देओल के लिए। एंड दोस्तों वायलेंस वायलेंस एंड वायलेंस दोस्तों, इसको भी तो देखना है, और 3 घंटा 21 मिनट की फिल्म है, तो कहीं ना कहीं टिका के बैठ जाएंगे यार, देखते हैं क्या होता है, कितने ज्यादा एक्साइटेड है दोस्तों। आपको बता दूं कि 10 लाख टिकट बिक चुके हैं, जो रिपोर्ट लेकर आया हूं मैं भाई। सुबह 6-6 बजे के शोज, 5-5 बजे के शोज, मनोज देसाई हो गए खुश, क्योंकि भैया उनके हजार हजार के 2 सिंगल थिएटर मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी फुल है भैया। उसके अलावा दिल्ली लिबर्टी मॉल, मतलब तमाम जगहों पे हाउसफुल है। कोलकाता ना भैया, अभी आपको बता दूं कि कोलकाता में स्लो था, डाउन था थोड़ी एडवांस बुकिंग, आज पता नहीं शाम से क्या हो गया भाई, कोलकाता में तो जम के एडवांस बुकिंग चल रही भाई, तगड़ा एडवांस बुकिंग चल रहा भाई। आपको बता दूं कि अभी तक जो कलेक्शंस हुए हैं एज पर स्कैनलिक 25 करोड़ पार कर चुकी है, लेकिन ये ऑनलाइन के माध्यम से है दोस्तों। आपको बता दूं कि मल्टीप्लेक्स जो है ना, हमारे 3 मल्टीप्लेक्स साइनेपोलिक्स और PVR से 2,48,000 टिकट, और उसके बाद बता दूं कि मिराज से 30,000, एंड दोस्तों मूवी मैक्स से 11,500, लगभग टोटल टिकट जो सोल्ड आउट हो चुके हैं 2,48,000 प्लस 67,000, 30,000, 11,500, कुल मिला के दोस्तों आपको बता दूं कि 3,55,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं 3 मल्टीपल चैन से। इसके बाद दोस्तों 13,429 शोज, 2,012 फास्ट फिलिंग, एंड 98 हाउसफुल चल रहे हैं भाई। हो क्या रहा यार,
ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं कि 3 नेशनल चैन से जो सबसे नंबर वन पे जवान है, 557,000 टिकट बेचने का रिकॉर्ड है। उसके बाद पठान है 556,000। अब दोस्तों एनिमल आ चुके तीसरे पायदान पे 355,000। चौथे नंबर पे 308,000 टाइगर 3 का रिकॉर्ड खत्म। उसके बाद गदर 2 274,000। अब पांचवें नंबर पे आ गई है आदि पुरुष। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दूं हर एक घंटे में 28,000 टिकट सोल्ड हो रहे हैं बुक माई शो पे, 28,000। और भैया कल तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल ये फिल्म रिलीज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो अभी तक टोटल शोज है, आपको बता दूं कि हिंदी 2D के अंदर 656,309 टोटल टिकट बिक चुके हैं, एवरेज टिकट प्राइस 239 का, एंड दोस्तों शोज 11,488। तेलुगु के अंदर 198,366 टिकट सोल्ड, 137 एवरेज टिकट प्राइस, एंड 1575 आपके शोज। वेल दोस्तों तमिल के अंदर 7,634 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, 123 ATP एंड 292 शोज। मलयालम के अंदर भी भैया आप एडवांस बुकिंग खुल चुकी है, 28 टोटल टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, 157 का एवरेज टिकट प्राइस है, एंड वेल दोस्तों 18 का 18 शोज मिले हैं। हिंदी के अंदर बात करूं आपको आईमैक्स के अंदर, तो आईमैक्स में भी अच्छे स्क्रीन देखने को मिले हैं। वेल दोस्तों जो टोटल टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं लगभग नियर बाय 1,000,000 के आसपास, 13,446 से भी ज्यादा शोज मिल चुके हैं। और भाई साहब स्टेट वाइज बात करूं, मतलब दिल्ली में 1,151 शोज मिले हैं, 199 फास्ट फिलिंग। यहां पे फास्ट फिलिंग का मतलब दोस्तों भगवा ऑरेंज हर जगह। उसके बाद मुंबई में 873 शोज, 176 फास्ट फिलिंग, पुणे में 311 शोज एंड 62 फास्ट फिलिंग, बेंगलुरु में 573 शोज एंड 90 फास्ट फिलिंग, हैदराबाद में 486 शोज एंड 83 फास्ट फिलिंग। उसके बाद दोस्तों कोलकाता में 326 शोज एंड 60 फास्ट फिलिंग, अहमदाबाद में 532 शोज एंड 69 फास्ट फॉलोइंग। अमेजिंग दोस्तों, क्या रिस्पांस आ रहे हैं, लिटरली यार फारू रिस्पांस आ रहे हैं। और मैं यही कहूंगा जितने भी बॉबी देओल के फैंस हैं, सनी देओल के फैंस हैं, रणबीर कपूर के फैंस हैं, प्लीज सपोर्ट एनिमल फिल्म, क्योंकि यार इस बार संदीप रेड्डी वांगा ने जो मेहनत की है ना उसका फल कल देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये फिल्म थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि अगर इसका स्क्रीन प्ले अच्छा रहा, इसमें बॉबी देओल का भी मैक्सिमम क्या बोलते हैं स्क्रीन प्ले नजर आया, तो ये फिल्म बहुत चलेगी। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि बॉबी देओल के सीन्स कम है इसमें, एज ए गेस्ट अपीयरेंस का रोल है। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि बॉबी देओल का सीन होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। ये बात गदर 2 में भी कही गई थी कि उत्कर्ष शर्मा का रोल जो है बहुत ज़्यादा है और सनी देओल कम है। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है दोस्तों, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर बॉबी देओल कम सीन रहा तो फिल्म फ्लॉप होने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि बॉबी देओल जितने ज़्यादा हीरो की किरदार इंपॉर्टेंट है, एज ए विलन बॉबी देओल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आई बिलीव कि संदीप रेड्डी वांगा जस्टिस करेंगे बॉबी देओल के साथ। बॉबी फिर से एक बार कमबैक करना चाहते हैं। एंड दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे गदर 2 के लिए हेट फैलाया गया था, फिल्म को खराब क्वालिटी बताई गई थी, और सनी देओल को बोला था कि 22 साल बाद क्या उखाड़ लेगा, लेकिन बंदा बॉबी देओल आ रहा है भाई, ये 22 साल का वेट नहीं कराएगा भाई, ये एनिमल फिल्म से उखाड़ के फेंक देगा। और भाई साहब कल मैं आपको बता रहा हूं 10 बजे से तैयार रहिएगा, लगभग 2 बजे तक रिव्यू रिएक्शन लाइव ऑन ग्राउंड पर लेके आऊंगा। भाई सुपर बज बना हुआ है, 4,00,000 क्रॉस हो चुका है हिट बुक माई शो पे, एंड दोस्तों जो अभी तक का कलेक्शन हो चुका है 30 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है ओवरसीज से। और आपको बता दूं कि $2.5 मिलियन का कलेक्शन हो चुका है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड UK, ये 3 कंट्री ऐसी है जो दोस्तों $2.5 मिलियन का कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है। इंडिया के अंदर बता दूं मैं आपको, इंडिया में फर्स्ट डे का कलेक्शन कहा जा रहा है कि 50 करोड़ के पार जाएगी, और लगभग पठान का घमंड भी टूट जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ की उम्मीद की जा रही है। लाइफ टाइम कलेक्शन कहा जा रहा है कि ये 650 करोड़ तक भी जा सकता है अगर ये फिल्म अच्छी खासी रही। अगर इसके नेटफ्लिक्स के डिजिटल राइट की बात करूं, नेटफ्लिक्स में 150 करोड़ से ऊपर जाएगा इसका क्या बोलते हैं राइट, तो लगभग दोस्तों आपको बता दूं कि कम से कम ये फिल्म 900-800 करोड़ तक भी पहुंच सकती है अगर इस फिल्म का कॉन्टेंट अच्छा रहा। और दोस्तों बॉबी देओल के लिए आई एम सो एक्साइटेड, एंड व्हाट अबाउट यू दोस्तों, आप क्या एक्साइटेड है बॉबी देओल के लिए? आप किसके लिए फिल्म को देखने जाओगे कल एनिमल, रणबीर कपूर, बॉबी देओल, या अनिल कपूर, या दोस्तों रश्मिका मंदाना? कमेंट करके बताओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, क्या लगता है एनिमल फाड़ के रखे देगी? जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।